tissue of the body. Connective tissue has different type of cells. It has got beta matrix. Matrix ke andar aapke cells hote hain aur aapka ground substance hota hai which is made up of mucopolysaccharide and glycoproteins. It also has different type of fibers. Collagen fibers, elastic fibers, unbranched, branched, bundle, single, strength, elasticity, white in color, yellow in color. ठीक है? बात करते हैं cells. Fibroblast cells secrete the fiber. Mast cell, histamine, heparin, serotonin. Heparin, natural anticoagulant. Histamine, vasodilator. And beta serotonin, vasoconstrictor. Macrophage, phagocytosis, phagocytic cell, neutrophil, eosinophil, plasma B cells, type of WBC. ठीक है? फिर आप बोलते हो बेटा कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स ज्यादा, सेल्स एंड फाइबर्स लूजली एग्रीगेटेड, डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स कम, सेल्स एंड फाइबर्स कॉम्पैक्टली पैक्ड. लूज कनेक्टिव टिश्यू में आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरियोलर. एरियोल में वो सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं. एरियोलर इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो योर स्किन. एडिपोज इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो योर स्किन. एरियोलर सर्व्स एज अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर योर एपिथेलियम. इट कनेक्ट्स द स्किन विद द अंडरलाइंग एपिथेलियम. याद करो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहां थी? हाइपोडर्मिस वाली लेयर में, राइट? एडिपोज, एडिपोसाइट्स है एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट जो यूटिलाइज नहीं होते इमीडिएटली, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बीटा फैट एंड इट्स स्टोर्ड इनसाइड द सेल. अगर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के स्पेस के अंदर एडिपोसाइट घुस जाए तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बेटा कहां-कहां पे आपके बिलो द स्किन है, विसरल ऑर्गन्स के अराउंड है, कुशन की तरह काम करती है बेटा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है. हाय या ना एवरीबॉडी? यस. डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर. अगर रेगुलर है मतलब फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट पैरेलल 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 अरेंजमेंट है, इररेगुलर है तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट बहुत ही रैंडम ओरिएंटेशन होती है. इररेगुलर स्किन में होती है लेकिन कहां स्किन में बेटा? डर्मिस के अंदर होती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. और अगर रेगुलर बोली हूं तो टेंडन्स एंड लिगामेंट, लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन बेटा मसल्स टू बोन. अगर मैं बात करूं स्पेशलाइज तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉलिड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स, फाइबर प्रेजेंट, फाइबर एब्सेंट बेटा. इसका काम होता है सपोर्ट देना, इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू बोन्स एंड कार्टिलेज कंपेयर करो, दोनों का मैट्रिक्स सॉलिड बट कार्टिलेज सॉफ्ट एंड प्लाइबल. इसको कंप्रेस करोगे, रेजिस्ट कंप्रेशन, बोन्स को कंप्रेस करोगे तो टूट जाएगी भाई, जैसे तुम लोगों का बेटा कभी कभी मनोबल टूट जाता है. मनोबल नहीं टूटना चाहिए, मुस्कुराते रहिए. आप बेटा कहां है? फिजिक्स वाला में है और क्या. ठीक है, बात करते हैं बेटा पेरिकोंड्रियम, पेरिओस्टियम, इमैच्योर कार्टिलेज सेल, कोंड्रोब्लास्ट, इमैच्योर बोन सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, मैच्योर कार्टिलेज सेल.